हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जनीश आज आप लोगों को कमज़ोर याददाश्त के बारे में बताएंगे। तो कमज़ोर याददाश्त का जो प्रॉब्लम है वो बच्चे को भी है, यंग को भी है, बूढ़े लोगों को भी है, लेडीजों को भी है, मतलब सभी लोगों को ये जो है याददाश्त का प्रॉब्लम है, मेमोरी वीक होता है। तो उसके लिए आप कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन ले या कोई और एलोपैथिक मेडिसिन ले और क्या करें कि आपका जो कमज़ोर याददाश्त है उसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसके लिए हम आप लोगों को अपने इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि जो याददाश्त का प्रॉब्लम पर जो भी वीडियो है उस पर जो भी मेडिसिन जो है उस मेडिसिन को ठीक है देखें, जानकारी भी ले लें, लेकिन आप अपने नज़दीक के फिजिशियन से जा कर के मिल करके परामर्श लेकर के उस मेडिसिन का यूज करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है साइन और सिम्टम पर बस जिंदा है। उसमें आपका क्या सिम्टम आ रहा है, किस वजह से आपका याददाश्त कमज़ोर हुआ है उस मेडिसिन को, क्योंकि एक मेडिसिन नहीं है कि बस काट करके दे दिए ये काम करेगा। इसमें याददाश्त कम से कम 20-25 मेडिसिन है जो याददाश्त पर वर्क करती है। तो यही चीज़ आप लोगों को बताएं कि जो मेडिसिन जो बताया हुआ है उसे परामर्श लेकर के खाएं। तो अब ये चीज़ जान जाएंगे किस मेमोरी जो प्रॉब्लम है ये बच्चों को भी है, बूढ़े लोगों को भी है, लड़कियों को भी है। तो इसका कारण है कि ज़्यादा ड्रग्स यूज करना, एल्कोहल लेना, टोबैको लेना, अनिद्रा का जो बीमारी है उसमें वैसा रहे तो याददाश्त का जो प्रॉब्लम है आ जाता है। और याददाश्त का जो प्रॉब्लम हो जाए ना, किस टाइप का याददाश्त का प्रॉब्लम, जैसे अभी हम किसी से बात किए और वो बात याद नहीं रहे, कहीं पर सामान रखे वो सामान कहाँ रखे याद नहीं रहे, तो याददाश्त का जैसा जो प्रॉब्लम होता है। तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक है, अच्छी वर्क करती है, लेकिन आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे कि कमज़ोर अगर याददाश्त है तो बस अपने आप खान पान पर ध्यान दें, सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज करें, थोड़ी अलोम विलोम जो है एक्सरसाइज करें, फिजिकल वर्क करें, खाने पर प्रॉपर खाना लें जो प्रोटीन युक्त खाना लें, आपका मेमोरी कमजोरी का जो प्रॉब्लम है खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब जहाँ तक बात आ रही किस बीमारी के वजह से इनका याददाश्त में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम बताएं कि आप यूट्यूब के वीडियो माध्यम से जो वीडियो देखते हैं उसमें जो याददाश्त कमजोर याददाश्त का मेडिसिन है उसे खुद न लें, किसी नज़दीक के फिजिशियन से परामर्श कर लें तब भी मेडिसिन लें। ऐसे याददाश्त का बहुत सारा मेडिसिन है, अब एसिड फॉस भी काम करती है, एनाकार्डियम भी काम करती है, काली फॉस भी काम करती है, एवीना सेटाइवा भी काम करती है, लाइकोपोडियम भी काम करती है। तो बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हम बता रहे हैं कि ये सब दवाइयां जो है ये काम करती है, लेकिन बस हम ये बताएंगे कमज़ोर याददाश्त के केस में आप अपने बैलेंस डाइट पर ध्यान दें, प्रोटीन युक्त खाना खाएं और अपने जो बुरे लत हैं उसे आप छोड़ करके ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, आपका जो कमज़ोर याददाश्त है प्रॉपर ठीक हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो और भी कोई पैथी से होम्योपैथिक में जो है मेडिसिन जो है याददाश्त का बहुत ही बेटर है। अब जैसे एक एनाकार्डियम ही मेडिसिन है, वो याददाश्त के रूप याददाश्त पर बहुत ही बेटर काम करती है। तो जो हम वीडियो के माध्यम से सब दवाइयाँ बताएं उसको हम क्लियर करके क्यों नहीं बता रहे हैं, बस दवा जान जाए कि याददाश्त का इसमें बहुत सारा बेटर बेटर मेडिसिन है, लेकिन याददाश्त का जो मेडिसिन है आप नज़दीक के फिजिशियन से संपर्क करके ही खाएं। उससे कोई दिक्कत है तो नहीं तो बस घरेलू नुस्खा आप सुबह में एक्सरसाइज करके बैलेंस डाइट पर ध्यान दें, प्रोटीन भोजन लेकर के आप अपने याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।